हेलो एवरीवन, हम हैं देहरादून से और हम जा रहे हैं आज मसूरी में भद्रास टेंपल में और जा रहे हैं हम अपनी स्कूटी से। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा दिन। हम स्कूटी से जाने वाले हैं क्योंकि, तो वीडियो में बने रहिएगा और देखिए मेरे हस्बैंड स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं, मैं पीछे बैठी हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ। और ये हम निकले थे घर से 9 बजे, अभी पहुँच चुके हैं बीच रास्ते पे गलजवाड़ी में। तो आज बहुत मज़ा आने वाला है हमें, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए हम किमाड़ी पहुँच चुके हैं, ये देखिए किमाड़ी में कितना सुंदर व्यू है, पहाड़ों का नज़ारा। तो ये हम पहुंच चुके हैं अभी किमाड़ी से काफी आगे, हाथी पांव पहुंचने वाले हैं हम। हाथी पांव है यहाँ से कुछ 12-1 किलोमीटर और दूर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, यहाँ से दिख रहा है किमाड़ी का नाग मंदिर टेम्पल, दूर दिख रहा है छोटा सा। तो देखिए बड़ा आज मज़ा आने वाला है, आज हमें थोड़ी देर होल्ड मारते हैं, अब थक चुके हैं क्योंकि थोड़ी देर, फिर उसके बाद हम अपना सफ़र शुरू करेंगे। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं हाथी पांव, यहाँ पर ये व्यू बहुत ब्यूटीफुल था तो यहाँ रुके हम थोड़ी देर। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है व्यू। गाड़ी दो जनों का लोड नहीं ले पा रही है स्कूटी, थक चुकी हूँ। रास्ता बहुत छोटा है, टूटा फूटा है, पर मज़ा आ रहा है ट्रैकिंग में। Thank you.
मैं हूँ अकेली। रोड है यहाँ की एकदम स्ट्रेट, खड़ी चढ़ाई। हस्बैंड जा चुके हैं मेरे स्कूटी लेके आगे, मैं हूँ ट्रैकिंग पे अभी अकेली। पूरे रोड पे ठंडी हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। वाह, ये फीलिंग आप समझ नहीं सकते, जो यहाँ आएगा वही समझेगा। पहाड़ों का नज़ारा, पहाड़ों की में जो मज़ा है वो कहीं नहीं। तो बने रहिएगा आगे मेरे ब्लॉग में, बाय। तो ये देखिए रास्ता, ये बिल्कुल धागे की तरह सीधे जाता हुआ रास्ता है ऐसे। भगवान शक्ति कहाँ से देते हैं पता नहीं जी। घर में हम थक जाते हैं, सोए रहते हैं बिस्तर में, पर अभी एनर्जेटिक हूँ मैं, चल रही हूँ मैं, मज़ा आ रहा है मुझे कि कब मैं भद्रवास देवता के फाइनली दर्शन करूँगी। गाड़ी से दर्शन करके लोग आ चुके हैं। मैं भगवान से एक ही मन्नत मांगूंगी, जो भी भगवान, जब भी मैं भगवान के दर्शन के लिए जाऊं, अपने पैरों से चल के भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो मुझे। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो दोस्तों, जब हम अकेले हों और कोई ना हो हमारे साथ, तो हमारे 100 दोस्तों की कमी पूरी करता है ये एक रुपए का सेंटर फ्रेश। तो इसे खाइए और एंजॉय कीजिए। आखिरकार हम भद्रास टेम्पल पहुंच गए हैं अराउंड 12 o'clock। हाँ, तो हम बहुत खुश हैं कि हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। अब थोड़ा सा चढ़ना है हमें। हाथ जोड़ लो। देवता टेम्पल हम पहुंच चुके थे, हमने दर्शन कर लिए हैं। ये देखिए आपको दिखाती हूँ मैं, काफी रश है अभी मंदिर में, आगे भंडारा भी चल रहा है। तो यहाँ ऊपर एकदम हाइट पे है ये भद्रास देवता का मंदिर, हम बचपन से देखते आ रहे थे घर से। आज हम फाइनली यहाँ दर्शन करके करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। जय हो भद्रास देवता, जय। ये पड़ गया 34 किलोमीटर, वो पड़ गया 34 किलोमीटर, बाकी आपका इधर उधर तो ये देखिए, ये मंदिर के पीछे का देखिए पहाड़ होगा, ठंडी हवा चल रही है, बहुत सुंदर है। तो अब हम चलते हैं, दर्शन कर लिए हमने नीचे भंडारे की तरफ। आए थे हम हलवे का प्रसाद, हमने भद्रास देवता को भोग लगाया, अब ये प्रसाद हम खुद लेते हैं।
मद्रास देवता की जय। चलो इधर से चल लेते हैं ना। तो दर्शन कर लिए हमने मंदिर में, भंडारा भी, प्रसाद भी ग्रहण कर लिया। अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। कितनी दूर है मंदिर? कुछ बस थोड़ी सी दूर है, थोड़ी सी। रुको, ये पहुंच गए हम नाग देवता के मंदिर में। तो अब हम चल रहे हैं नाग देवता के मंदिर की चढ़ाई। भद्रास से आते हुए नाग देवता के मंदिर रास्ते में है, तो हम वहाँ भी दर्शन करके आज फाइनली घर जाएंगे। दोनों मंदिर हम घर की छत से देखा करते थे, आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ दर्शन का एक ही दिन में। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। गाइस, हम पहुँच चुके हैं फाइनली मंदिर में। मंदिर, ये मंदिर परिसर है और यहाँ से ये पहाड़। तो हम दर्शन करते हैं, हम फिर मिलते हैं आपसे। पहली बार आज देखा था मैंने।